आज की राइड दोस्तों के नाम, एंड अभी एक और आ रही है बाइक अपनी Z900, एक और है ये आ रही है। अभी बाइक नहीं दिखी ना, बस दिखा रहे हैं आपको, ये स्टॉक बाइक है, ठीक है, स्टॉक समझ लो ना, बिल्कुल साइलेंट, बट डोंट थिंक इट कि वायलेंट नहीं हो सकती भाई, जब वायलेंट होती ना तो एक सेकेंड में होती है। एंड बस आ गया भाई बगल में, यहाँ पे डोमिनार 400, मतलब देखो अपने साथ जब बाइक लगातार चलती है ना और बहुत सारी बाइक होती ना तो मज़ा आता है। ये रही बाइक अपनी Z900, लुक एट दिस, मतलब इन बाइक्स का अलग ही मजा है। वीडियोस बन रही और जल्दी जल्दी चला जाए भाई, पुल्स आ गई है, स्लो स्लो चलेंगे, रोक का टोकी ना हो हम लोगों को, बस उम्मीद तो यही है। भाई साहब क्या है, मजेदार आवाज है भाई साहब, अभी अपने बाकी बाइकर्स अभी मिलने वाले हैं जस्ट थोड़ा सा दूर और, एंड ये लोग बस यही रामा देवी साइड पे कहीं पर, यहाँ इस पट्टी में होंगे, उस तरफ होंगे, तो उनको चल के पहले कैच करते हैं कि भाई किधर है तुम लोग, एंड फिर मौज करता है अपन लोग। बताओ सुपर बाइक आगे निकल जा रही, नॉर्मल बाइक आगे नहीं निकल पा रही, क्या बात है, आज अलग ही जोश है भाई साहब। आगे वो बहुत साइलेंट है भाई, पता नहीं चला, लेकिन जब साइलेंट इलाका होता है ना वहाँ पर बहुत प्यारी आवाज़ करती है भाई। ये रहे हमारे बाकी बाइकर्स, कहाँ जो के बाद आ गए, या मुक्का नहीं मारना, अंगूठी हाथ तोड़ दोगे, दूसरा तो पहले गया हुआ है, ये शेव क्यों करा लिया तो भाई ये रही हमारी R15, भैया आपकी R15 बड़ी अच्छी लगती है ये R15 आपकी आपकी FZ भी अच्छी चलती है, हाँ FZ है, ये FZ 250 है। R15 ऑन करो भैया, R15 ऑन करो, हार गए आओ, ये लोग इतना खतरनाक भाग रहे हैं ना, हमारा ही मन करता भागने का, लेकिन मैं भागता ही नहीं हूँ, मेरे वाली चिल्लाए भले ना, लेकिन पटाखे जबरदस्त मारती है, मुझे ऐसा, मैं सोचता हूँ कभी कभार गाइस अगली दिवाली में पटाखे ना ला जाऊं, इसका बस पेट्रोल का जुगाड़ करता हूं, इसी दिवाली बनाता हूं भाई, इतनी तेज तो पटाखे हैं, और चलते हुए फोड़ूंगा मैं। बच्चों का अलग मजा आने लगता है भाई, हम भी कभी ऐसे थे, आज वो लोग हैं तो वो भी उनका सपना बना रहे ना कि तुम भी बड़े हो आराम से लेना। भाई तबाही सीन हो गया यार, ब्रेकर जो लगा के रखा है ना ये कभी कभी दिक्कत देता है, लेकिन चलो मैं वैसे ही धीरे चलता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा तेज चल रहा, थोड़ा सा बस, थोड़ा समझ लेना। अरे ट्रक वाले भैया आगे, वरना मस्त फ्लाई बाई देता है यहाँ पर, देखोगे R15 ये भी है, वो भी R15 है, बट उसका मॉडिफिकेशन हुआ ना, इसलिए वो तेज चलती है, आवाज करती, देखो R15 वाले आपस में मजे कर रहे हैं, हम तो भाई FZ 250 वाले हैं भाई, हम धीरे चलेंगे। Oh,
इसमें बाइक में माइलेज अगर आपको निकालना है ना, कभी सडन एक्सीलरेट मत करो। जैसे मैं अभी तक कर रहा था ना, बाइक ने बिल्कुल चुल्लू रहा होगा, पेट्रोल पिया होगा, अभी पॉइंट दिख नहीं रहा, लेकिन जब वो 4-5 लीटर एकदम से खत्म होगा ना, तब कम होगा। ऐसे जब सडनली एक्सीडेंट करता हूँ ना, तो भाई पानी की तरह पीती है गाड़ी फिर पेट्रोल। पता नहीं चल रहा कहाँ चल जा कहाँ पर है, टेनार नार दूर दूर तक नहीं दिख रही, मैं कुछ ज्यादा ही आगे आ गया। मतलब अब ये लोग धीरे हैं, मैं फास्ट हूँ। मतलब मजाक में, इतना फास्ट चलना अच्छी बात नहीं होती वैसे, ठीक है। हम लोग प्रोफेशनल से कभी कभार कर लिया, हमें पता है कब करना है कब नहीं करना। और इस हाईवे में बहुत बार जा चुका, इसलिए मैं कर रहा था, ठीक है गाइस। लेकिन जो भी कहो यार, आज मजा आया। मतलब शहर के अंदर थोड़ा सा मजे कर लिए, लेकिन अब मैं एक स्पीड में चलूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को माइलेज चाहिए, समझ रहे हो। मुझे आगे रहने की जिम्मेदारी दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी भाई आराम से चलेंगे। वैसे 80 तक की स्पीड कही गई है, तो भाई 80 तक की स्पीड आराम से पहुंच जाएंगे हम लोग। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच मारेंगे, लेकिन ज्यादा स्ट्रेच नहीं मारूंगा मैम, ठीक है। कंटिन्यूअसली थोड़ा बहुत चलता है गाइस, थोड़ा बहुत तो चलता है। मेरे हाथ में कह रहे हैं कि आज तू चला ले भाई, आज तो चला ले कम से कम। चलो कोई नहीं, लेकिन ज्यादा तेज नहीं चलाएंगे, मतलब माइलेज भी चाहिए ना मेरे को अभी तो भाई। और ये देखो भाई, ट्रैक्टर्स, असली टॉर्क इन गाड़ियों में, इनका जो टॉर्क है ना, कुछ नहीं ट्रैक्टर के सामने। भले ट्रैक्टर का जितना भी सीसी हो, कार से कम सीसी हो, लेकिन टॉर्क इनमें ज्यादा होता है। अभी आगे है, अभी यहाँ से कम 20 किलोमीटर से ऊपर है थोड़ा सा। अब लवी भैया अपनी R15 को थोड़ा आगे लेकर आ गए हैं। मतलब ये लोग मेरे से इतना पीछे हो गए, इनको चलानी ही नहीं आती गाड़ी। अभी तक मेरा टीज करते थे ना, देखा R15 तेज नहीं चलती, ये FZ250 है, बहुत तेज जाती है गाइस। अभी अपनी KTM RC125 लाया था ना, इनको तो दिखाई भी नहीं देता मैं इतनी तेज, आगे निकल जाता मैं। गाड़ी में बस पेट्रोल का दर्द है, अगर पेट्रोल मेरे को मुफ्त में मिलता रहे, तुम भाई मेरे को आउट ऑफ इंडिया, मतलब स्पेस में ले जाने को बोला, मैं स्पेस में ले जाऊंगा भाई। बस पेट्रोल का दर्द है यार, आगे देखकर ऐसा लग रहा है जो अपनी R15 जा रही है, मतलब ZX सनार जा रही है, उसके अगल बगल मच्छर फरफर आ रहे हैं। गाइस जैसे देखो, ये यहाँ पे मैं टर्न ले रहा हूँ कर्व है, लेकिन अभी अगर रोड को अगर ध्यान देखोगे ना, हल्का गैप्स है, ऐसे झूल रही है, तो ऐसे लीन मारते हो अगर ऐसे गड्ढे आते ना, तो बड़ा खतरनाक होता है। तो हम लोगों का आ गया है पहला स्टॉप, मतलब पहला स्टॉप इन दी सेंस की वजह रास्ता आ गया अपना, बस यहाँ से थोड़ा दूर और है जहाँ पे हम लोग पॉइंट है, जहाँ पे हम लोग अपना नाश्ता करेंगे, फिर इसी रोड से वापस चले आएंगे।
एंड मेरे घर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि भाई मैं अब बता भी नहीं सकता, मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस 5-10 मिनट रुक के मैं भाई सीधा गांव साइड निकल जाऊँगा। तो अपने ब्लॉग को बस यहीं तक रखेंगे, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे भाई, वरना 2 पार्ट में लगाता है ना। चलो यहाँ पे थोड़ा सा रुके हम लोग, 2 मिनट का ब्रेक, सुसू ब्रेक, वैसे ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से। अब भैया थोड़ा सा खींचे हैं, मतलब स्पीड में नहीं, 80-90 थोड़ा सा, हाँ वो 110 में हो गया अराउंड। अरे भाई क्या काट रहा है, अरे एक तो बाल खींचने लग रहा है, बड़ा अजीब दर्द सा होता है, मतलब ऐसा कभी भी ऐसा लग रहा है वही मधुमक्खी ने काट लिया हो। बस यहाँ से बस थोड़ा सा और आगे है जहाँ पे हमको रुकना है, मेन जगह वहाँ पे रुकते हैं भाई, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते हैं एंड फिर ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। एंड हाँ, चैनल तक करने वाले भाई सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पे ऑब्वियसली रहना, तो भाई लाइक करना तो बनता है। तो भाई आ गए अपन लोग मोहन पेड़ा, चलो भाई यहाँ से थोड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं, इसके बाद सीधा मैं रवाना हो जाऊँगा। बस 5-10 मिनट मैं रुकने वाला हूँ, बाकी ये लोग थोड़ी देर ज़्यादा देर तक रुकने वाले हैं, ये लोग मज़े करेंगे। Oh